नमस्कार दोस्तों, बिग बुल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डीबी रियल्टी के बारे में, क्या आपको इस शेयर पर निवेश करना चाहिए नहीं, और इस शेयर में जो आपको आने वाले टाइम में क्या टारगेट देखने को मिलेंगे, कहाँ इस शेयर का सपोर्ट बनेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस, सारा हम आपको क्लियर कर देंगे। और आपको पता है इस शेयर ने आपको एक ही महीने में जो आपका पैसा दुगना बना के कर दिया है, और जो है हमने भी आपको इस शेयर पे बाय कॉल दी थी। तो अब नेक्स्ट टारगेट इस शेयर में क्या बैठेंगे, टेक्निकल लेवल्स के इंडिकेट करें, फंडामेंटल्स के इंडिकेट करें, चार्ट सेटअप के इंडिकेट करें, सारा क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टॉक एनालिसिस शुरू करते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डीबी रियल्टी के फंडामेंटल्स के बारे में, इसके फंडामेंटल्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो चलिए स्टॉक एनालिसिस शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन जो है कंपनी की अभी आपको काफ़ी जो है एक चीप रेशियो में मिल रही है। पी रेशियो भी जो है अब आपको एक चीप रेशियो में मिल रहा है, क्योंकि जो कंपनी का स्टॉक प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा अपर लेवल से उसमें करेक्शन आ चुकी थी। 400 का स्टॉक जो है 60-70 रुपये का हो गया था, तो जो वैल्यूएशन थी कंपनी की काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी थी। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था स्टॉक वो काफ़ी ज़्यादा जो है लूज़ कर गया था, जिसकी वजह से इनकी वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती हो गई थी। तो वैल्यूएशन अभी जो है स्टॉक की एक्सपेंसिव नहीं है, आपको काफ़ी चीप वैल्यूएशन पे जो है स्टॉक मिल रहा है। तो गाइस, स्टॉक में जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस जो था हो रहा था, रेवेन्यू गिरते जा रहा था, नेट इनकम गिरते जा रही थी, लेकिन अब जो है प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के बढ़े हैं और रेवेन्यू भी जो है निचले लेवल से थोड़ा बढ़ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है गाइस स्टॉक के लिए कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन जो है स्टेबल हो रहे हैं। कंपनी में इतना बड़ा करेक्शन जो था गाइस, उसके सबसे बड़ा मेन कारण ये था, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह आप देखते हैं, एबिटा वगैरह देखते हैं, नेट इनकम कितना ज़्यादा जो था लॉस में था, कितना ज़्यादा लॉस जो है कंपनी को झेलने को मिल रहा था, जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा जो था लॉस जो था झेलना पड़ रहा था, जिसकी वजह से कंपनी काफ़ी ज़्यादा जो थी लॉस में थी। लेकिन अब जो है कंपनी काफ़ी ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट कर रही है गाइस, और कंपनी के अभी जो सेल्स के आंकड़े आए थे उसमें कंपनी ने तकरीबन काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ग्रोथ दिखाई है पिछले टाइम से। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है स्टॉक में बन रहा है। बाकी डेप्ट कंपनी पे जो है वो कंपनी कम करने की कोशिश कर रही है, फ्री कैश फ्लो और कैश इक्विवेलेंट्स भी बढ़ाने की कोशिश जो है कंपनी कर रही है। तो गाइस, डीबी रियल्टी को जो थी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, अब इन्होंने एक और पॉजिटिव न्यूज़ जो इनकी आई है वो है लेंडर्स के साथ इन्होंने अपने सेटलमेंट कर ली है, और जो इनका सेल्स वगैरह की रिपोर्ट थी उसमें भी कंपनी ने काफ़ी एक शानदार इंप्रूवमेंट हमें दिखाई है। तो गाइस, अभी कंपनी का स्टॉक जो है आने वाले टाइम में काफ़ी स्ट्रांगली जो है इम्प्रूव कर सकता है, और काफ़ी स्ट्रांग अर्निंग्स हमें देखने को मिल सकती है। तो डीबी रियल्टी अब जो है एक जो है सुधरने की उसमें राह पे निकल चुकी है। तो चलिए अब इसका आपको चार्ट सेटअप एक्सप्लेन करके देते हैं गाइस। गाइस, यहाँ पे अब आपको डीबी रियल्टी का चार्ट सेटअप एक्सप्लेन करके देते हैं। तो आप देख सकते हैं अपर लेवल से कितनी ज़्यादा सेलिंग जो थी स्टॉक में बनी थी, तो अब जो है स्टॉक यहाँ पे निकल चुका है। हमने भी आपको शेयर में बाय कॉल दी थी, उसके बाद शेयर थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में चले गया था, लेकिन अब जो है शेयर आपको पता है आपको एक महीने में ही आपका पैसा डबल करके दे चुका है। तो मैं आपको यही राय दूंगा गाइस, जो डीबी रियल्टी स्टॉक है ये शेयर काफ़ी स्ट्रांगली जो है यहाँ से निकल चुका है, काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट जो हमें शेयर में देखने को मिला है। तो यहाँ से लग रहा है कि ये 200 के टारगेट को जो है अचीव कर सकता है गाइस, और ऊपर से इनके जो सेल्स रिपोर्ट्स आ रही है वो भी पॉजिटिव आ रही है, तभी कहीं ना कहीं ट्रेडर्स इस स्टॉक को चेज करें। तो मैं आपको यही राय दूंगा, अगर आप लोग रिस्की इन्वेस्टर है तभी स्टॉक में बैठे, 135 पर स्टॉप लॉस लेके चलिए, और यहाँ पे आपको 200 के टारगेट आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। पर गाइस, अभी भी मैं यही कहूँगा, अगर आप लोगों की रिस्क एपिटाइट अच्छी है तभी जो है डीबी रियल्टी में बाय करिए, अगर आप लोग रिस्क एपिटाइट आपकी उतनी नहीं है तो डीबी रियल्टी जैसे स्टॉक आपके लिए नहीं बने। तो 135 का स्टॉप लॉस और 200 के टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।